हमने हमारे एक दो काम हो गए हैं और हमने कर लिए हैं हैंड सैनिटाइज और ये मास्क उतार कर ए तो आज हम जा रहे हैं पहली बार घर से बाहर। किस में जा रहे हैं? ये लॉकडाउन 4 है क्या? ये लॉकडाउन कूल डाउन वन ये भरोसे भगवान भरोसे 1.0 वाला है ये। और हम जा रहे हैं कुछ भास्कर का इग्नू का काम है, जिंदगी का आखिरी सबमिशन देना है इसको, क्योंकि इसको उसके बाद आगे वहां से कोई एजुकेशन नहीं लेनी है। और उसके अलावा और भी कुछ काम है तो हम जा रहे हैं काफी दूर दिल्ली। तो चलो दोस्तों चले दिल्ली। भास्कर न्यू हेयर कट कराया गया था एस्ट्रोनॉट से। एस्ट्रोनॉट्स एग्जैक्टली अच्छा लग रहा है। ओ ये रेडियो कितना मिस कर रहे थे आज सुना है। सॉरी थोड़ी गाड़ी गंदी है लेकिन नहीं भास्कर कितना मजा आ रहा है, जबकि हम लोग ये वैसे इंजॉय नहीं करते थे लेकिन आज अच्छा लग रहा है। कितना टाइम दिखा रहा है जीपीएस? 35 मिनट्स। ओके ट्रैफिक यहाँ आकर थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है। अब देखो ये आ गया आजादपुर और करनाल के लिए रोड। कितनी अच्छी रोड्स बनी है वैसे यहाँ पर ना। कैसा लग रहा है ड्राइव करने में? हाँ अच्छा लग रहा है। अरे सिर्फ अच्छा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा इतने दिन बाद? मजा आ रहा, खाली रोड है, लंबी रोड है। रेड फोर्ट की वॉल आ गई जो आप देख रहे हो ना, ये देखो रेड फोर्ट की बाउंड्री। इसके ऊपर से ट्रेन क्रॉस होती है। यस रेलवे लाइन है ये, बाउंड्री से मतलब किसी समय यहाँ घोड़े और हाथी चलते होंगे, इमेजिन कर सकते हैं हम। नहीं देखो जरा कोई हाल कोई ये रोड्स पर बेच रहे यार, ये तो सेफ जी। कोरोना फिर ज्यादा टाइम ही था कुकिंग का, लेकिन फिर भी मैंने ये अपना जो होममेड नमकीन है तैयार किया ताकि हमें बाजार में ज्यादा ना खाना पड़े, है ना भास्कर? और ये भास्कर को बहुत पसंद है और हेल्दी होता है। हाँ ये हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है। हाँ थोड़ी चेरी खाई है फिर ये खाया है, तो अगर जरूरत होगी तभी हम बाहर खाएंगे, अदरवाइज हम बाहर खाना अवॉइड करेंगे। बहुत दिन बाद घर से बाहर आने का नतीजा गलत फ्लेवर ले लिया और भास्कर जो है जीपीएस रीड करना भूल गया, कंफ्यूज हो गया। मुझे इतना ध्यान से चलना, तो अभी हम थोड़ा सा बैक कर रहे हैं, वैसे गलत है लेकिन डोंट ट्राई दिस एट होम। आ गए हम अपनी सही रोड पर आराम से बोलने पर वैसे इरिटेट हो जाते हैं बच्चे जो गाड़ी चला रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ में, बेइज्जती हो जाते हैं अगर ब्लॉक पर गाड़ी ठुक जाती ये वाली क्लिप भैरवी के लिए स्पेशली, क्योंकि भैरवी तुझे मिस कर रहे हम इस टाइम। कर रहे अभी, बल्कि उससे कॉल भी नहीं, बात भी नहीं हो पाई क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं था। ये वाला जो चौराहा है ना, यहाँ पर लॉकडाउन 4 हो जाए, लॉकडाउन कोई वाला भी हो जाए, कभी भी जो है ना लोग ठीक से नहीं चलेंगे और एक दूसरे की रेड लाइट में जाएंगे और कभी खाली नहीं मिला। तुम कितने गलत चल रहे हो, बेटी चुरा के ले गए। यहाँ सब कुछ ना 5 मिनट के डिस्टेंस पे था तो बहुत मजा आता था और यहाँ की हमें एक एक चीज पता थी और यहाँ के एक एक लोगों को हम पता थे, लोग हमें जानते थे, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि आपको लोग पहचान रहे हैं। और नहीं काम कराने में इजी हो जाता था, काम कराना तो बहुत इजी था, फोन पर सारे काम होते थे। और मॉल जाना है, पिक्चर देखने जाना है, 5 मिनट कोई टाइम का पता नहीं है, मतलब 5 तो कहने की बात है लेकिन ट्रैफिक की वजह से 30 मिनट तो लगते थे, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी था सब कुछ। हम यहाँ पहुंच गए एंड करंटली वी आर एट G3S। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो G3S, बट G3S इज अ सिनेमा हॉल इन रोहिणी जहाँ पे सबसे सस्ती टिकट मिलती है, एंड सबसे सस्ती एज इन यहाँ पे जितने भी हॉल्स हैं उन सब में सबसे सस्ती टिकट मिलती है। एंड मम्मी इज गोइंग अलोन इन टू दैट SBI एंड आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि जहाँ भी जाओ आजकल ये लोग हैंड सैनिटाइजर दे देते हैं मतलब जबरदस्ती, और मेरे को बड़े गंदे लगते हैं हैंड सैनिटाइजर, सो आई डोंट गो, आई जस्ट सिट इन द कार। बट या मम्मी कॉल कर देंगे अगर उनको मेरी हेल्प चाहिए हो। नाउ आई डोंट नो व्हाट आई विल डू इन द कार। हमने हमारे एक दो काम हो गए हैं और हमने कर लिए हैं हैंड सैनिटाइज और ये मास्क उतार कर फायदा किया ऐसे फेंक रहे तो चलो
लगे पड़े हैं ब्लॉग फोन हम दोनों ने हैंड सैनिटाइज कर लिए हैं आकर अब हम आगे चलते हैं कुछ हुआ ही नहीं था मैंने हिस वेडिंग पहुंच लेते हैं ओके गाइस तो हमारा बैंक का काम हो गया मेरा इग्नू का काम नहीं हुआ एंड राइट नाउ वी आर गोइंग इन मैकडॉनल्ड्स हां यहां पे लाइन लगती है और लेट्स गो अच्छा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है ओके सो क्विक अपडेट वी गॉट मैकडॉनल्ड्स एंड वो बैठने नहीं दे रहे तो वी आर ईटिंग राइट नाउ इन आर कार ओनली मम्मी गॉट द मैक स्पाइसी पनीर रैप एंड आई गॉट माई सेल्फ टू मैक वेजीज एंड मेरे को ये एक्चुअली कल से खाने थे तो कल रात को मैंने बर्गर किंग के बर्गर मंगाए बट आई एम रियली हैप्पी आई हैव लार्ज फ्राइज आई हैव टू मैक वेजीज एंड आई हैव अ लार्ज कोक भाई अभी भी लगी हुई है क्या लगी हुई है लाइन हम यहाँ अभी 5-10 मिनट 15 मिनट पहले आए थे क्योंकि हमें अंदर जाना था मेरी शॉपिंग के लिए कितनी ईमानदारी से लोग खड़े यार इतना क्या लेना है इनको मॉल से बाहर से ले लो शॉप से गाइस आप देख रहे हो मेरी मम्मी फॉलो नहीं कर रही रूल्स फॉलो नहीं कर रहे आप गलत बात है ये अच्छी बात नहीं है आपको वो दिखेगा नहीं कोरोना हेलो एक्सक्यूज मी आ गए हैं काम करके अपना भास्कर थक गए बहुत ज्यादा नींद आ गई टायर्ड ये भास्कर के साथ साथ अक्षरधाम टेम्पल वहाँ पर दिखाई दे रहा है सामने सारे मंदिर खुल गए हैं ये ब्यूटीफुल अक्षरधाम मंदिर भास्कर थोड़ा स्लो चला अरे अरे यार दिख ही नहीं रहा गाइस अक्षरधाम गूगल कर लेना यहाँ से दिख नहीं पा रहा सॉरी गूगल दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल है इसमें फोन में नहीं आ रहा इतना अच्छा अरे मंदिर है यार देख लो वैसे टेंपल हो हमने कोशिश कर ली नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा काम हमारे काफी सारे हो गए अब हम वापस आ रहे हैं और आज का दिन अच्छा रहा है ना भास्कर अच्छा यूजफुल था यूजफुल रहा यूटिलाइज किया हमने अपने टाइम हमने हमारा पुराना घर देखा ये मेरा स्कूल देखा हमने मेरा इग्नू का काम करने की कोशिश की बट वो इवेंचुअली बंद था इवेंचुअली नहीं बट वो सैडली बंद था एंड देन हमने मम्मी के वीडियो बनाने का कुछ इक्विपमेंट लिया और क्या किया बैंक का काम किया यस बैंक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था वो हम डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते वो इतना लोग सब में जाएंगे बज रहे ट्रांसफर वगैरह करना था अकाउंट और क्या किया बस यस यही किया ये बस होता है ये काफी होता है हाँ मतलब बहुत सारे काम किए मैकडॉनल्ड्स का खाना भी खाया मैकडॉनल्ड्स का खाना खाया फाइनली जिसकी मैं है ना तो अब क्या करें क्लोज कर दें अभी या बाद में यस बाय तो फिर आपको अगला कोई और लॉकडाउन अभी जब तक चल रहा है कोई और ब्लॉग बना के बनाते रहेंगे नहीं नहीं काम तो सारे अभी खुद करने पड़ रहे हैं बल्कि ओके बाय